हेलो दोस्तों, विनोद किचन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर के, जो कि है इंटरनेशनल। दोस्तों, ये रेसिपी नेपाल की फेवरेट ब्रेकफास्ट में आती है, तो हम आज इसको बनाने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नूडल, इसका नाम है प्रीति नूडल, ये प्योर वेज है। इसमें आपको एक नॉन वेज में भी मिलेगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। नेपाल में इसको ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इसको बनाने के लिए हमने हरे धनिया का इस्तेमाल किया है, एक प्याज, एक टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च। इसको अच्छे से धो कर के काटें। हमने नूडल्स को पैकेट से रिमूव कर लिया है। इसके मसाले इसके अंदर ही रहते हैं। आप अगर इसका सूप बना रहे हैं तो थोड़ा सा नमक ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। स्पाइसी करने के लिए हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। देखिए, हमारे सभी सब्जियां कट चुकी हैं, आप भी इसी तरह से काट लें। हमने लिया है कढ़ाई को गर्म होने के बाद कुछ तेल इसके अंदर रहता है, आप थोड़ा सा 1 चम्मच एक्स्ट्रा ऐड करके लगभग 2 चम्मच तेल का लें। गर्म होने के बाद इसमें साबुत जीरा डाल दें 1/2 चम्मच। जीरा चटकने के बाद इसमें हरी मिर्च डालें। हरी मिर्च को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें प्याज भी डाल दें। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको खाली सॉफ्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। हमने इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। प्याज सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर ध्यान रहे आपने जितना बारीक हो सके उतना बारीक काटना है। उसके बाद हमने इसमें जो मसाले हैं, नूडल मसाले, उसको डाल देंगे। मसाले डाल करके इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक मिक्स करना है, खुले में पकाना है। अगर आप सूप वाला बना रहे हैं तो आप इसमें लगभग 1/2 चम्मच नमक और ऐड करें। हम इसमें 2 से 3 फ्रेश बीन्स को कट करके डाल रहे हैं, आप भी इसको डालें। साथ में आप चाहे तो शिमला मिर्ची को भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें नूडल्स को ऐड कर देंगे। नूडल को डाल के हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। दोस्तों, नूडल्स को डाल के ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो मसाले जलने लगते हैं। अब हम इसमें उबला हुआ पानी डाल देंगे, लगभग 2 कप। आपको इसका सूप कितना चाहिए आप उसी हिसाब से डालें। थोड़ा सा नमक भी ऐड करें, जैसे मैंने आपको बोला है, अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें पानी डाल करके इसको अच्छे से उबालेंगे, 3 से 4 मिनट लगभग। चार से पाँच मिनट अच्छे से उबाल लेने के बाद हम इसमें फ्रेशनेस के लिए हरे धनिया का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो हरे प्याज के पत्ते भी काट करके डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम गैस को बंद करके 2 मिनट ढक करके छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद आप इसको सर्व करें।
तो दोस्तों देखिए, हमारी नूडल्स जो कि नूडल्स और नेपाल में इसको बोला जाता है चाउ चाउ, बनकर रेडी हो गया है। दोस्तों ये नूडल को इंडिया में वाई वाई के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड है इसको बनाने में, आपको ये बिग बास्केट, बीबी डेली, जोमेटो, स्विगी सभी प्लेटफॉर्म पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने को मिल जाएगा। ऑफलाइन स्टोर आपको सुपरमार्केट में ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।